शहर शहर पोल्यूशन का कहर देखने को मिल रहा है और दिल्ली में AQI बहुत खराब श्रेणी में है। इंडिया गेट के आसपास काफी धुंध छाई रही जिससे लोगों को सांस लेने में खासा परेशानी हो रही है। अक्षरधाम में AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, वहीं ITO लोधी रोड में भी AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आनंद विहार की बात करें तो AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। उधर मुंबई के बांद्रा में भी वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई है, तो लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हम दिखा रहे थे। हमारे सहयोगी नमित भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। नमित, राजधानी दिल्ली की बात करें तो प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, AQI लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी दिवाली कल है और ऐसे में AQI का इस तरीके से बढ़ना कहीं ना कहीं चिंताएं यहाँ पर जो है वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल, दिल्ली के अंदर AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है साहिल, क्योंकि जहां पर हमारी मौजूदगी है यहां और पूरी दिल्ली के अंदर भी कल से जो हवा की रफ्तार है दिल्ली NCR के अंदर वो थोड़ी सी बड़ी है, उसी वजह से AQI लेवल थोड़ा सा कम हुआ है। फिलहाल इस वक्त की बात करें तो दिल्ली का AQI लेवल ओना एवरेज 274 है, और जो हमने देखा था कि पिछले 24 घंटे पहले अगर बात करें तो AQI लेवल 300-350 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन अभी AQI लेवल 274 पर रुक गया है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है, और इस बात को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी लगातार ये कहते आए हैं कि अगर मौसम हमारा साथ देगा तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण पर लगाम लग सकती है। अगर हवा में तेजी होगी, हवा तेज चलेगी, तो फिर जो जहरीले कण होते हैं जो कि हवा में तैरते हैं वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाते हैं, जिस वजह से AQI लेवल भी कम होता है। ऐसे में पिछले 24 घंटे में हवा की रफ्तार बढ़ी है, इसी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 274 पर आ गया है। हालांकि फिलहाल अगर हमारी मौजूदगी अक्षरधाम पर है, यहाँ पर देखिए अभी भी जो जहर है हवा में वो लगातार घुल रहा है, लेकिन क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि हवा चल रही है, इस वजह से पोल्यूशन में थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ। हालांकि सबसे बड़ा अहम जो दिन होगा वो होगा दीपावली से अगला दिन, यानी कि कल दीपावली है और परसों की सुबह आखिर कैसी सुबह रहेगी दिल्ली वालों के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि दीपावली से अगले दिन ही हमने देखा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा अपने पैमाने पर पहुँच जाता है, 400-450 के आसपास पहुँच जाता है, लेकिन इस बार दीपावली के अगले दिन क्या कंडीशन रहेगी ये डिपेंड करेगा। और दूसरा ये कि आखिर दिल्ली के अंदर पटाखों पर बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां से कुछ लोग इलीगल तरीके से दिल्ली में पटाखे लाकर बेच रहे हैं, जिसको लेकर हमने देखा कि कल पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी और तमाम अलग अलग विभागों के साथ एक बैठक की, और 377 टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं, कल उनका गठन किया गया, यानी कि अगले 2 दिन में जो इलीगल तरीके से पटाखे दूसरे राज्यों से दिल्ली में लाकर बेचे जा रहे हैं, ये 377 टीमें ऐसे इलीगल जो लोग हैं उनको पकड़ेगी, उन पर सख्ती करेगी। बिल्कुल नमित, देखिए कदम तो यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से काफ़ी लंबे समय से उठाए जा रहे थे, और इस बार ये भी अनुमानित था कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का जो प्रयास है वो इस बार जो हवा की गुणवत्ता है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि यहाँ पर करेगा, और इस बार पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा, लेकिन स्थितियाँ जो हैं वो अभी भी गंभीर यहाँ पर नजर आ रही है। इनके पीछे के अगर कारणों की बात करें नमित, तो सबसे बड़े कारण क्या माने जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार ये दावा कर रही थी कि तमाम कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, ग्रैप भी यहाँ पर लागू किया गया, पहले ग्रैप 1 और उसके बाद ग्रैप 2 भी यहाँ पर लगाया गया, साथ ही साथ कई और नियमों में भी बदलाव यहाँ पर किया गया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, जैसा कि आपने जिक्र किया कि LG को चिट्ठी लिखते हुए भी नजर आ रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने कई जगहों पर अलग अलग सर्वे किया है और उसके माध्यम से कई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर श्रेणी में दर्ज की जा रही है। देखिए उसके पीछे 2-3 वजह, हालांकि सबसे पहले मैं आंकड़ों के हिसाब से साहिल जानकारी दे दूं कि पिछले साल दीपावली से पहले ही ग्रैप 3 के नियम दिल्ली में लागू हो गए थे और AQI लेवल 400-450 के आसपास चला गया था, लेकिन इस बार दीपावली से पहले AQI लेवल 274 पर है और केवल अभी ग्रैप 2 के नियम ही दिल्ली में लागू है, ग्रैप 3 अभी दिल्ली में लगा नहीं है। ऐसे में अकॉर्डिंग टू अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार AQI लेवल थोड़ा सा दिल्ली के अंदर जरूर कम है, थोड़ी सी लोगों को राहत है। दूसरा ये कि पॉल्यूशन बढ़ने के कई ऐसे कारण हैं,
हालांकि उसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि जो ग्रैब 2 के नियम है वो केवल दिल्ली में लागू है, पटाखे केवल दिल्ली में बैन है। अगर यही पूरे दिल्ली NCR के अंदर पटाखे बैन हो तो शायद दिल्ली के AQI लेवल में और ज्यादा कमी देखी जाएगी। इसके अलावा जो 21 सूत्र विंटर एक्शन प्लान प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने लागू किया है, वो अगर प्लान पूरे दिल्ली NCR में लागू होगा, चाहे वो NCR के अंदर गाजियाबाद का हिस्सा हो, नोएडा का हिस्सा हो या फिर गुरुग्राम का हिस्सा हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन केवल दिल्ली की वजह से नहीं बल्कि जो बाहर के वाहन दिल्ली के अंदर आते हैं उनकी वजह से भी होता है। ऐसे में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बात को कहा था और जो पर्यावरण मंत्री हैं चाहे वो हरियाणा के, उत्तर प्रदेश को, उनको ये सलाह दी थी कि जो 14-21 सूत्र विंटर एक्शन प्लान दिल्ली में लागू है प्रदूषण को कम करने के लिए, वो अगर पड़ोसी राज्यों में भी लागू होगा तो खासकर NCR के अंदर लागू होगा तो फिर दिल्ली के अंदर प्रदूषण में कमी आएगी। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।